प्रमोटेशन ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर प्रमोटेशन। अगर प्रमोटेशन ऑफ थिंग्स विच कैन रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स इन अ सर्कुलर कॉल्ड सर्कुलर प्रमोटेशन, यानी चीज़ों को अरेंज करना है। लेकिन पहले हम प्लेसेस फिल कर रहे थे, अब हमने सर्कल में करना है। जैसे आपके पास एक राउंड टेबल है, उस पर आपने पर्सन को बैठाना है, या फिर एक नेकलेस है, हार है, गुलाई में होते हैं, उसके अंदर बीड्स लगाने हैं, मोती लगाने हैं, उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के मोती हैं। तो ये सारी जो परमोटेशन काउंट होंगी ये सर्कुलर परमोटेशन में आता है। तो सर्कुलर परमोटेशन की हमारे पास दो किस्म के फार्मूले हैं। एक फार्मूला यूज़ होता है लिविंग थिंग्स के लिए और एक फार्मूला यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जो लिविंग थिंग्स हैं इनका तो जो फार्मूला, अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जैसे ये केस है, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाई हुई है, मेरे पास 7 पर्सन हैं, इनको मैंने अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन कैसे निकलेंगी? 7 हैं तो 7-1 फैक्टोरियल, ठीक है। वो 1 माइनस इस वजह से करते हैं कि हमें एक प्लेस फिल करनी है, क्योंकि सर्कल में हमारे पास स्टार्ट पॉइंट कोई नहीं होता, हमें एक स्टार्ट पॉइंट खुद से फिक्स करना पड़ेगा। वरना आप, मैं आपसे पूछूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैंने कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया तो हर एक का अपना वही होगा। वो कोई कहेगा जी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें एक पॉइंट सर्कल में फिक्स करना पड़ता है, जिसके रेफरेंस से हम बाकी सब को चेक करें कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं, किस तरीके से अरेंज हो रही हैं, ठीक है। आम प्लेसेस होती हैं तो उसमें हमें पोजीशन 1 पता होती है, ठीक है, पोजीशन 1 हमें पता होती है। चेयर्स पड़ी हुई हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट किसी तरीके से तो पड़ी होंगी ना, जैसे आप फिल करवाएंगे, ठीक। तो अगर मेरे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया, कोई नेकलेस है, बीड्स आ गई हैं, रिंग आ गई है, इस तरह की होंगी, जब उनको सॉल्व करना है तो फार्मूला क्या बनेगा? टोटल डिफरेंट परमोटेशंस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ 2 वाला काम इस वजह से होता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे नेकलेस है, अगर आपने ये नेकलेस सामने रखा हुआ है, किसी चीज़ के सामने है, तो जो पर्सन सामने खड़ा हुआ है एक परमोटेशन उसको नज़र आ रही होगी, एक जो बैक साइड पे है उसकी रिफ्लेक्शन भी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन वाली चीज़ इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से 2 को 2 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं अब। इसके पास आर सर्कुलर परमोटेशन भी होता है। इस कंपेयर करवाता हूँ पिछले क्वेश्चन से कि अगर मेरे पास एन की वैल्यू 7 दी हुई है, जो सिंपल सर्कुलर परमोटेशन होगी, तो उसका मतलब है कि हमें 7 के 7 ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है, 7 के 7 पर्सन्स को बैठाना है चेयर पे, सीट्स पे, राउंड टेबल के ऊपर बैठाना है, ठीक है, इसमें 7 यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आर परमोटेशन है, अगर वो केस होगा तो वो तो बनेगा 7-1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। लेकिन अगर आर सर्कुलर परमोटेशन, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास टोटल 7 पर्सन हैं, तो मुझे, मैंने क्वेश्चन में यह है जी कि मुझे 4 सर्कुलर परमोटेशन फाइंड करनी है, 4 सर्कुलर परमोटेशन फाइंड करनी है। इसका मतलब यह है 7 पर्सन में से मुझे सिर्फ 4 को बैठाना है, यहाँ पे 7 के 7 को यूज़ ही नहीं करवाना, 4 को बैठाना है। तो उस केस में 4 सर्कुलर परमोटेशन के केस में क्या हो जाएगा, फार्मूला बनेगा एन क्यू आर का। पी ख़त्म हो गया, पी आगे फार्मूले में यूज़ हो रहा है कि एन पी आर डिवाइडेड बाई आर। मीनिंग क्या कि अगर मेरे पास इस केस में एन की वैल्यू 7 है और मैंने 4 सर्कुलर परमोटेशन बनानी है, इसका मतलब है आर की वैल्यू 4 है, ठीक है, यानी जो सर्कल में यूज़ करना है 4% यूज़ करने हैं। आगे इसके क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे देखेंगे। ये कंडीशन ये है कि जो आर है, आर वो 0 से बड़ा हो या बराबर हो या एन से छोटा हो। अगर ये एन के बराबर होगा तो पुराना केस बन जाएगा, यानी 7% है तो 7 के 7 को यूज़ करना है, तो सिंपल सर्कुलर परमोटेशन आ जाती है। और अगर कोई कम हो तो उसके लिए फिर ये हमारे पास भी होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 7P4 डिवाइड बाई 4। ये 4 है, 4 फैक्टोरियल नहीं है, ये याद रखना है। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे लेटर्स या डिजिट्स के, उसमें रिपीटेड चीज़ों के लिए फैक्टोरियल आता था, यहाँ चीज़ें रिपीट नहीं है। क्वेश्चन है, 6 बॉयज़ 5 गर्ल्स, 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, इनको हमने अरेंज करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। अब सबसे पहले देखें टोटल हैं कितने मेरे पास, 6 बॉयज़
फोर गर्ल्स, तो टोटल कितने हो गए जी 11। यहाँ पे सम रूल यूज हो रहा है क्योंकि एक ही चीज़ को हमने काउंट करना था। और नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, लिविंग थिंग्स हैं ये, मैं मुझे एक पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, या तो यहाँ पे मैं बॉय रखूँगा ठीक है, या यहाँ पे एक गर्ल आएगी, दोनों में से कोई एक लाजमी होगा मेरे पे। रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे काउंटिंग करने के लिए पहली पोजीशन चाहिए, उसके बाद कोई भी किसी भी पोजीशन पे आ सकते हैं, यानी 11 है तो मुझे यहाँ पे 11 फिल करने हैं पूरे। तो लिविंग थिंग्स है, टोटल 11 था, तो 11 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। ये मेरे पास जी बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ बढ़ाने के 10 फैक्टोरियल वेज आ गए हैं, किसमें सर्कुलर में। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें कहा गया जी नो टू गर्ल्स आर एडजेसेंट, इसका मतलब है कोई भी दो गर्ल्स जो है वो एक साथ नहीं बैठ सकती। टोटल बॉयज़ मेरे पास 6 थे, गर्ल्स कितनी थी 5, बॉयज़ कितने हैं 6, गर्ल्स कितनी है 5, और बिठाना इनको सर्कल में ही है। अब देखें जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो बॉयज़ मेरे पास ज़्यादा हैं, गर्ल्स मेरे पास कम है, तो मुझे बॉय से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप इसको ख़ुद भी देख सकते हैं, अगर आप गर्ल्स को फर्स्ट पोजीशन दे दें तो एंड में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है। तो बॉयज़ को फर्स्ट पोजीशन देनी है, सेकंड में मैंने ब्लैंक छोड़ी है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक गर्ल लग रही है, फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, तो ये एक वे मैंने सर्कल बनाने की कोशिश की है। अब आप देख लें इसमें बॉय और गर्ल एडजेसेंट एक साथ आ रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल है कि कोई दो गर्ल एक साथ ना आए, अदरवाइज वो एक साथ आएंगी ठीक है। जो लास्ट में होगा ना वो दो बॉयज़ एक साथ आ रहे होंगे, दो बॉयज़ एक साथ आ रहे होंगे, उस पर मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं सिर्फ ये कहा गया गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए ठीक। तो नो टू गर्ल्स आर एडजेसेंट मीन्स अ वुमेन सिट बिटवीन टू बॉयज़, दो बॉयज़ के दरमियान एक वुमेन सिट करवानी है। टोटल 11 थे ठीक है, टोटल नंबर्स, अगर टोटल नंबर ऑफ वेव्स फाइंड किए जाएँ तो वो 11 थे, तो वो 10 फैक्टोरियल बना, पिछला क्वेश्चन हो गया ठीक है। यहाँ पे अब हमने देखना है कि बॉय और गर्ल को एक साथ बैठाना है, यही वो सिचुएशन होगी जब दो गर्ल एक साथ नहीं आ रही होंगी। तो देखें जब मैं बॉय और गर्ल को एक साथ बैठाऊँगा तो ये मेरे पास दोनों एक कंसिडर हो जाएंगे, ये फर्स्ट हो गया, फिर बॉय और गर्ल एक साथ बी जी, और फिर बी और जी, फिर दोबारा से बी एंड जी, और फिर दोबारा से बी एंड जी, और यहाँ पर बी एंड जी, और दरमियान में फिर एक बॉय और आना है। तो देखिए ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 मेरे पास वेज बन रहे हैं। तो यानी इनका ग्रुपिंग के हिसाब से मेरे पास 5 P5 बॉयज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ये 5 बन रहे हैं और प्लेसेस भी फिर 5 ही बन रहे हैं, ये तो आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, उसी के लिए 5P5 लिखा जा रहा है। 5P5 विच इज़ इक्वल टू 120, यानी 120 वेज हैं जिसमें दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठी होंगी, दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठी हुई, तो इसका मतलब है कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी कि एक बॉय होगा फिर एक गर्ल होगी फिर एक बॉय होगा फिर एक गर्ल होगी फिर एक बॉय होगा फिर एक गर्ल होगी, लेकिन हमने इसको सर्कुलर की फॉर्म में लिखना था अभी। आर गर्ल फ्रॉम फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक, आर गर्ल फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक का मतलब है जो गर्ल्स है उसको सिंगल ब्लॉक कर देना, यानी हर गर्ल को जितनी भी गर्ल्स है ना उनको एक साथ बैठा देना है। जैसे कहा गया था ना कि ऑलवेज टुगेदर, वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर, इसका मतलब था वावल को इकट्ठा कर देना है। यहाँ पे इन्होंने कहा है ऑल गर्ल्स फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक मीन्स के जो गर्ल्स हैं वो इकट्ठी बैठेंगी, उनका एक ही ब्लॉक बनेगा, वो बॉयज़ की अल्टरनेट नहीं बैठ सकती ठीक। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 5 हैं, सॉरी 6 हैं, गर्ल्स कितनी हैं 5 हैं, और जिसको हम एक कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने उसको एक ब्लॉक बनाना है, तो टोटल कितने हो गए, ये क्या कंसिडर होगा 1 कंसिडर होगा, तो टोटल कितने हो गए 6 बॉयज़ और गर्ल्स का एक ब्लॉक, टोटल कितने हो गए 7। तो सर्कुलर परमुटेशन कितनी बन गई है 720, 7 माइनस 1, एन की वैल्यू 7 है, लिविंग थिंग्स है 7 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 720। अब ये तो बनी है इन सबको आपस में बढ़ाने की, अब गर्ल्स का जो 5 का ब्लॉक एक साथ बनाया है उसमें गर्ल्स आगे पीछे हो सकती हैं, कोई भी गर्ल पहले नंबर पे आ सकती है, कोई भी गर्ल दूसरे नंबर पे आ सकती है, तो गर्ल्स टोटल कितनी है 5 है, तो गर्ल्स 5 हैं, गर्ल्स की फिर प्लेसेस भी 5 ही हैं सर्कुलर परमुटेशन में ही, लेकिन हम गर्ल्स को आपस में एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया मेरे पास, गर्ल्स 5 हैं 5 प्लेसेस है विच इज़ इक्वल टू 5P5 विच इज़ इक्वल टू 120। तो टोटल कितना हो गया 720 वेज, जिससे गर्ल्स का एक ब्लॉक और बॉयज़ डिफरेंट पोजिशन पे और टोटल वेज, और फिर 120 वो वेज हैं जिसमें 5 लड़कियां आपस में परमोटेशन बना सकती हैं
क्योंकि वो आगे पीछे भी किसी भी पोजीशन पे जा सकती हैं। तो टोटल वेज के लिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 720 मल्टीप्लाई बाय 120, ये टोटल वेज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है अ पार्टिकुलर गर्ल जी एडजेसेंट टू टू पार्टिकुलर बॉयज बी वन एंड बी टू। मीनिंग क्या है कि जो ये जो जी ए गर्ल है ये टू पार्टिकुलर बॉयज के साथ हो। एडजेसेंट टू का मतलब है उनके आस पास बैठे, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बनती है कि बी वन हो गर्ल हो बी टू, यानी जो जी है इन दोनों के एडजेसेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, बी टू जी और बी वन। अब ये नहीं हो सकता कि मैं ये लिखूँ बी वन बी टू और जी, क्यों, इसमें जी बी टू का तो एडजेसेंट है लेकिन बी वन के एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब उसके बिल्कुल साथ हो। तो देखिए इसका मतलब है जी बी वन बी टू ये एक ब्लॉक बना लेंगे, जब ये एक ब्लॉक बना रहे हैं तो मेरे पास ये एक काउंट होंगे, पीछे क्या रहेगा दो बॉयस चलेंगे। तो ये बॉयस की पॉसिबिलिटी, ये गर्ल्स की पॉसिबिलिटी, गर्ल्स कितनी थी पाँच थी, पाँच में से एक इस ब्लॉक में आ गई है। बॉयज़ कितने थे छः थे, दो इस ब्लॉक में आ गए, पीछे चार रह गए, यहाँ पे चार गर्ल्स रह गई हैं। अब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी रह गई हैं, चार चार आठ और एक नौ, टोटल नौ है। सर्कुलर परमोटेशन लिविंग थिंग्स हैं तो एट फैक्टोरियल, और इसका मैंने आपको बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज, तो विच इज़ इक्वल टू टू फैक्टोरियल, क्योंकि गर्ल को तो हमने दरमियान में बैठाना है एडजस्टमेंट के लिए, तो टू फैक्टोरियल सिर्फ बॉयज़ आगे पीछे हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गए, एट फैक्टोरियल ये वाला और टू फैक्टोरियल यहाँ का, तो मल्टीप्लाई करने ही आपके पास आंसर है। लास्ट फॉर सर्कुलर परमोटेशन के लिए एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें सेवन एलिमेंट्स हैं, और हमें कहा जा रहा है फोर सर्कुलर परमोटेशन बनानी है। तो एन की वैल्यू सेवन, आर की वैल्यू फोर, सेवन क्यू फोर विच इज इक्वल टू सेवन पी फोर डिवाइड बाई फोर, और इसको सॉल्व करें तो ये वही, इसका मैं क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, इसको देख लें। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज फोर कीज कैन बी अरेंज इन अ सर्कुलर रिंग। फोर कीज़ हैं यानी चार कीज़ हैं हमारे पास, इसको सर्कुलर रिंग के ऊपर हमें एडजस्ट करना है। अच्छा, और ये अब रिंग है, कीज़ है ना, कीज़ हैं तो ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग का फार्मूला लगेगा एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू, और हमें एक की को फिक्स करना पड़ेगा, एन फोर है तो फोर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, ये फार्मूला है नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है। तो आप आज अपने सर्कुलर परमोटेशन को करना है।